हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सीमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहा था कि आप क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट खोलिए। तो जनरली जो फर्स्ट टाइम सीमेंट प्लांट खोलने जाते हैं तो क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट या ब्लेंडिंग यूनिट के लिए जाते हैं। तो मैं उन लोगों को लिए बताना चाह रहा हूँ, अगर आप क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं तो इन इन बातों का पहले से ही ध्यान रखिए। अगर आप डायरेक्ट सप्लायर के पास में जाएंगे तो सप्लायर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप जब प्लांट को सेटअप कर लेंगे फिर क्या क्या हर्डल आते हैं तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं आज सारा पॉइंट आपको पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं कि आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा। रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट के लिए। सबसे पहला होगा क्लिंकर, कि आपको क्लिंकर कहां मिलेगा। अगर आपको पोर्टलैंड पोस्टलाना सीमेंट बनाना या ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या स्लैग सीमेंट, इन सभी के लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है। तो रॉ मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल रहता है वो है क्लिंकर। तो सीमेंट में क्लिंकर का मात्रा रहता ही रहता है, तो क्लिंकर करीब करीब 65% पड़ता है अगर आप पीपीसी बनाने जा रहे हैं। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं, क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट खोलने जा रहे हैं, तो आपको पीपीसी ही बनाना पड़ेगा, मतलब पोस्टलाना पोर्टलैंड सीमेंट ही बनाना पड़ेगा, उसी में ही आपको प्रॉफिट आएगा। तो उसके लिए पहला हो गया क्लिंकर। क्लिंकर आपको कहां से मिलेगा आप पता लगाइए। आप जहां भी ग्राइंडिंग यूनिट आप लगाने जा रहे हैं, जहां आपके पास में करीब 3-5 एकड़ का जमीन है स्मॉल ग्राइंडिंग यूनिट के लिए, उस जमीन की लोकेशन से कि क्लिंकर आपको नियर बाई कहां मिलेगा, किस प्लांट से मिलेगा, सबसे पहले इसका वर्कआउट आप कर लीजिए। जनरली क्या होता है, क्लिंकर की अवेलेबिलिटी उतनी रहती नहीं है। सीमेंट प्लांट वाले, बड़े बड़े सीमेंट प्लांट वाले आपको क्लिंकर देने से मना कर देंगे। आपने सीमेंट प्लांट लगा दिया, ग्राइंडिंग यूनिट लगा दिया, पता चला कि आपको क्लिंकर ही नहीं मिल रहा है। क्लिंकर मिल रहा है तो बहुत ही हाई कॉस्ट में मिल रहा है, तो पता चला कि आपको प्रॉफिट के जगह में लॉस होना चालू हो जाएगा। तो आप जहां भी ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं वहां इर्द गिर्द जितने भी 200-300 किलोमीटर के रेंज में सीमेंट प्लांट है, आप पहले ही कोलैबोरेशन कर लीजिए सीमेंट प्लांट से कि हम ग्राइंडिंग यूनिट क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं, हमको क्लिंकर चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए, इफ ही आप उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए, तभी आप जाके कंफर्म होंगे कि अब रॉ मटेरियल हमको मिल जाएगा। दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का क्या लैंडेड कॉस्ट होगा, आपको उसको थर्मल पावर प्लांट से ही लेना पड़ेगा। तो थर्मल पावर प्लांट आप जहां ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं वहां से कितने दूरी पे है, तो उसका वर्कआउट आप कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको फ्लाई ऐश ही ना मिले, और गुड क्वालिटी का फ्लाई ऐश आपको मिलना चाहिए, और ड्राई फ्लाई ऐश ही आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा यूज करने का, तभी आप जाके पीपीसी सीमेंट बना सकते हैं। तो पहला हो गया क्लिंकर, दूसरा हो गया फ्लाई ऐश कि अब हमको फ्लाई ऐश मिल जाएगा, और तीसरा जिप्सम है। जिप्सम ओनली 3-5% ही यूज होता है, तो उसके लिए ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। केमिकल जिप्सम आते हैं, मिनरल जिप्सम आते हैं, तो वो आपको कोई केमिकल प्लांट से, फर्टिलाइजर प्लांट से, या आप सीधा मिनरल जहां सीधा जिप्सम आपको मिल जाएगा खदानों से, तो उसके लिए वरी होने का जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं क्या है कि मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट है तो वहां पर आपको स्लैग मिल जाएगा। अगर वो आपको स्लैग वहां से मिल रहा है तो आप पोर्टलाना स्लैग सीमेंट बना सकते हैं। तो स्लैग सीमेंट बनाने के लिए क्या है कि आपको स्लैग का जरूरत पड़ेगा, और उसमें फ्लाई ऐश भी मिला सकते हैं, प्लस थोड़ा मात्रा में क्लिंकर भी मिला सकते हैं, कंपोजिट सीमेंट भी बना सकते हैं, तो आपके पास कई सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। स्लैग के केस में क्या है कि आपको ड्रायर का यूज करना पड़ता है, बाल मिल से पहले आपको ड्रायर लगाना पड़ेगा, और छोटा जब ग्राइंडिंग यूनिट आप लगाने जाएंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि आप बॉल मिल लगाइए, बॉल मिल के साथ में थर्ड जनरेशन का सेपरेटर लगाइए।
जनरेटर का सेपरेटर जब आप लगाएंगे तो आपको सफिशिएंट आउटपुट मिलेगा। और पहले आप मार्केट में आइए, मार्केट को समझिए, कैसे सेल आउट करना है, सीमेंट कैसे सेल किया जाएगा, इसका स्ट्रेटजी आपको जानना बहुत ही जरूरी रहेगा। देखिए क्या होता है कि ग्राइंडिंग यूनिट लगाने से पहले, सीमेंट प्लांट लगाने से पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप बैकग्राउंड से कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि रोड का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और आपको आइडिया है, आप खुद सीमेंट का खपत कर सकते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपके लिए ग्राइंडिंग यूनिट खोलना प्रेफरेबल रहेगा, आप प्रॉफिट पा सकते हैं। एक चीज, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप रॉ मटेरियल या क्लिंकर या सीमेंट को बेचने का काम करते हैं, तो आपके लिए भी प्रेफरेबल रहेगा कि आप ग्राइंडिंग यूनिट या ब्लेंडिंग यूनिट आप लगा सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड इन सभी से अलग है तो आपको इस फील्ड में आने के लिए बहुत ही हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। सीमेंट प्लांट लगाना आसान है, मैं तो मानता हूं, लेकिन सीमेंट को बेचना सबसे कठिन है। आपको प्रेजेंस मार्केट में बनाना पड़ेगा, आपको खुद पता है कि कितना कंपटीशन है इंडिया में या एब्रॉड, तो इस चीज को आपको ध्यान में देके चलना है। हमको बड़े बड़े कंपनियों से कम्पीट करना है, क्वालिटी मीट करना है, हमको क्वालिटी डिपार्टमेंट का बंदे रखने पड़ेंगे कि हम जो भी इंडियन स्टैंडर्ड का नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को हम फॉलो कर पाए, उस क्वालिटी का सीमेंट बना पाए और तभी आप मार्केट में सक्सेस होंगे। तो आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। बहुत लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आप पहले क्लिंकर का लैंडेड कॉस्ट आप निकाल लीजिए, जिप्सम का लैंडेड कॉस्ट निकाल लीजिए, फ्लाई ऐश का लैंडेड कॉस्ट निकाल लीजिए और स्लैग का लैंडेड कॉस्ट निकाल लीजिए, प्लस जहां ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट है, वहां का वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वहां वाटर भी लगेगा सीमेंट प्लांट में तो वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो इन सभी का पैरामीटर का एनालिसिस करने के बाद ही आप सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगा सकते हैं और फिर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल फील्ड में, इस फील्ड में जा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।